पूरे विश्व में जल का संकट व्याप्त है। दुनिया औद्योगिकीकरण की राह पर चल रही है, किंतु स्वच्छ और रोग रहित जल मिल पाना कठिन होता जा रहा है। विश्व भर में साफ और पीने योग्य जल की अनुपलब्धता के कारण ही जल जनित रोग महामारी का रूप ले रहे हैं। कहीं कहीं तो ये भी सुनने में आता है कि अगला विश्व युद्ध जल को लेकर ही होगा। समय के साथ इंसान जल की महत्ता को लगातार भूलता चला गया और उसे बर्बाद करता रहा, जिसके फलस्वरूप आज जल संकट सबके सामने है। विश्व के हर नागरिक को पानी की महत्ता से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की है। इस वीडियो में हम विश्व जल दिवस की महत्ता और जल के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण दे रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में आपको और बताने से पहले ये बता दें कि जागरण जोश के चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। यह जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है। विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे की शुरुआत 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस की पहल की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप 1993 में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया। इसके बाद से हर वर्ष लोगों के बीच जल का महत्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है? वैश्विक जल संरक्षण के वास्तविक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व जल दिवस को सदस्य राष्ट्र सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इस अभियान के प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की एक इकाई के द्वारा विशेष तौर से बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें लोगों को जल से संबंधित मुद्दों के बारे में सुनने व समझने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही विश्व जल दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का समायोजन भी शामिल है। इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही विश्व जल दिवस पर वैश्विक संदेश फैलाने के लिए थीम का चुनाव करने के साथ ही विश्व जल दिवस को मनाने की सारी जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण तथा विकास एजेंसी की है। विश्व जल दिवस 2020 का थीम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण तथा विकास एजेंसी द्वारा हर वर्ष विश्व जल दिवस को एक थीम के तहत मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए विश्व जल दिवस का थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। विगत 5 वर्षों में विश्व जल दिवस का थीम, पहला वर्ष 2016 के विश्व जल दिवस का थीम था जल और नौकरियां। वर्ष 2015 के विश्व जल दिवस का थीम जल और दीर्घकालिक विकास था। वर्ष 2014 के विश्व जल दिवस का थीम जल और ऊर्जा था। वर्ष 2013 के विश्व जल दिवस का थीम जल सहयोग था। वर्ष 2012 के विश्व जल दिवस उत्सव का थीम जल और खाद्य सुरक्षा था। वर्ष 2017 के विश्व जल दिवस उत्सव का थीम अपशिष्ट जल था। वर्ष 2018 के लिए विश्व जल दिवस का थीम किसी को पीछे न छोड़ना था। पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जल के महत्व की ओर लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे विश्व भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और क्रियाकलापों के आयोजनों के द्वारा मनाया जाता है, जैसे फोटो प्रदर्शनी, जल संरक्षण से संबंधित मंचीय और संगीतात्मक उत्सव, स्थानीय तालाब, झील, नदी और जलाशय की सैर, जल प्रबंधन और सुरक्षा के ऊपर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चा, टीवी और रेडियो चैनल या इंटरनेट के माध्यम से संदेश फैलाना, स्वच्छ जल और संरक्षण उपाय के महत्व पर आधारित शिक्षण कार्यक्रम, प्रतियोगिता तथा ढेर सारी गतिविधियां आदि। जल के उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व में और विशेष रूप से भारत में पानी किस प्रकार नष्ट होता है, इस विषय में जो तथ्य सामने आए हैं उस पर जागरूकता से ध्यान देकर हम पानी के अपव्यय को रोक सकते हैं। अनेक तथ्य ऐसे हैं जो हमें आने वाले खतरे से तो सावधान करते ही हैं, दूसरे से प्रेरणा लेने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। पानी के महत्व व इसके अनजाने स्रोतों की जानकारी भी इनसे मिलती है। चलिए अब आपको कुछ तथ्य ध्यान से बताते हैं। मुंबई में रोज वाहन धोने में ही 50 लाख लीटर पानी खर्च हो जाता है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में पाइपलाइनों के वॉल्व की खराबी के कारण प्रतिदिन 17-44% पानी बेकार बह जाता है। इजराइल में औसतन मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस वर्षा से वह इतना अनाज पैदा कर लेता है कि वह उसका निर्यात कर सकता है। दूसरी ओर भारत में औसतन 50 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होने के बावजूद अनाज की कमी बनी रहती है। पिछले 50 वर्षों में पानी के लिए विश्व में 37 भीषण हत्याकांड हुए हैं।
भारतीय महिलाओं को पानी के लिए प्रतिदिन औसतन 4 मील लगभग 6.4 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। जल जनित रोगों से विश्व में हर वर्ष 22 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हमारी पृथ्वी पर 1 अरब 40 घन किलोलीटर पानी है। इसमें से 97.5% पानी समुद्र में है जो खारा है। शेष 1.5% पानी बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में है। शेष 51% पानी नदियों, सरोवर, कुओं, झरनों और झीलों में है जो पीने लायक है। इस 1% पानी का 60वां हिस्सा खेती और औद्योगिक कारखानों में खपत होता है। शेष 40वां हिस्सा हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने एवं साफ सफाई में खर्च करते हैं। यदि ब्रश करते समय नल खुला रह जाता है तो 5 मिनट में करीब 25 से 30 लीटर पानी बर्बाद होता है। बाथटब में नहाते समय 300 से 500 लीटर पानी खर्च होता है, जबकि सामान्य रूप से नहाने में 100 से 150 लीटर पानी खर्च होता है। विश्व में प्रति 10 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। प्रतिवर्ष 3 अरब लीटर बोतल पैक पानी मनुष्य द्वारा पीने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नदियां पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। जहां एक ओर नदियों में बढ़ता प्रदूषण रोकने के लिए विशेषज्ञ उपाय खोज रहे हैं, वहीं कल कारखानों से बहते हुए रसायन उन्हें भारी मात्रा में दूषित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि कानून में सख्ती नहीं बरती जाती है तो एक समय ऐसा आएगा जब लोगों को दूषित पानी ही पीना पड़ेगा। पीने के लिए मानव को प्रतिदिन 3 लीटर और पशुओं को 50 लीटर पानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अन्य ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें जागरणजोश.com।